नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर 6 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे जो है प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने कटिंग टूल्स देखे थे, इस चैप्टर में हम प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जिन्हें सूक्ष्ममापी यंत्र भी कहते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यह एक ऐसा यंत्र है जो इंच अथवा मेट्रिक सिस्टम में अधिक सूक्ष्म व परिशुद्ध माप ले सके, इसे सूक्ष्ममापी यंत्र कहते हैं। मेट्रिक सिस्टम में कुछ लीस्ट काउंट दिए गए हैं और साथ में उनके प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। 0.001 mm लीस्ट काउंट के वर्नियर माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, स्लिप गेज जिन्हें गेज ब्लॉक भी कहते हैं, ये 0.001 mm लीस्ट काउंट के होते हैं। 0.01 mm लीस्ट काउंट के आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर, डायल कैलिपर, डिजिटल हाइट गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर और भी कई इंस्ट्रूमेंट हैं जो 0.01 mm लिस्ट काउंट के मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है 0.02 mm। 0.02 mm लिस्ट काउंट के वर्नियर कैलिपर, वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर हाइट गेज और गियर टूथ कैलिपर और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो 0.02 mm के मार्केट में अवेलेबल हैं। 1 मिनट लिस्ट काउंट होता है साइन बार का और 5 मिनट होता है वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का। 1 by 1 इन सभी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिटेल में देखेंगे। देखेंगे इसमें हम माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर दो पार्ट से मिलकर बना है, माइक्रो और मीटर। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म या बारीक और मीटर का मतलब होता है मापना। इसका आविष्कार जीन पाल्मर ने किया था जो फ्रांस के थे। इन्होंने 1848 में माइक्रोमीटर का आविष्कार किया। इसमें कुछ सुधार करके जे आर ब्राउन ने इसको कुछ और इसको प्रिसाइज किया और इसके बाद एल शार्पे ने इसमें सुधार किया जो एल शार्पे द्वारा माइक्रोमीटर बनाया गया था वो लगभग आज जो हम यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। अब हम बात करें तो इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल की, तो यह स्क्रू थ्रेड पिच जो नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। माइक्रोमीटर का अन्य नाम स्क्रू गेज है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। माइक्रोमीटर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर, इसमें हम मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम देखते हैं। और इनसाइड माइक्रोमीटर में एक टाइप और हो जाता है जिसे हम स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर भी कहते हैं। और थर्ड कैटेगरी में हमारा होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसके टाइप्स हैं ट्यूब माइक्रोमीटर, वी एनविल माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर, पेपर थिकनेस माइक्रोमीटर, डिजिट माइक्रोमीटर, कॉम्बी माइक्रोमीटर, इंडिकेटर माइक्रोमीटर और लास्ट है क्विक माइक। अब सबसे पहले हम आउटसाइड माइक्रोमीटर को डिटेल में देखेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर से 0.0 mm या 0.001 inch तक के शुद्धता में माप ली जा सकती है। इसके पार्ट्स हैं फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, स्लीव और बैरल, थिम्बल, रैचेट स्टॉप,
और लास्ट है लॉकनट। अब इन्हें वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है फ्रेम। यह कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय या कास्ट स्टील का बना होता है। यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है और यह अर्धगोल या चौकोर होता है। इसके दाएं सिरे पर बैरल तथा बाएं सिरे पर एनविल होता है। सेकंड पार्ट है एनविल। यह क्रोमियम स्टील का हार्ड ग्राइंड किया गोल भाग है जो फ्रेम के बाएं सिरे पर बैरल की अक्ष रेखा पर फिट किया होता है। आजकल कार्बाइड टिप वाले एनविल भी आते हैं। थर्ड पार्ट है स्पिंडल। यह भी हार्ड व ग्राइंड किया हुआ क्रोमियम स्टील का एक गोल पीस है। पिछले भाग पर 40 चूड़ियां प्रति इंच या 0.5 mm पिच के चूड़ी कटी होती हैं। चूड़ी वाले भाग पर थिम्बल व पिछले सिरे पर रैचेट स्टॉप लगा होता है। फोर्थ पार्ट है स्लीव। यह भी क्रोमियम स्टील की बनी होती है, इसे बैरल भी कहते हैं। यह फ्रेम के दाईं ओर लगी होती है तथा इसके अंदर भी 40 चूड़ी प्रति इंच या 0.5 mm पिच की चूड़ी कटी होती हैं। डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन पर इंग्लिश सिस्टम की एक इंच लंबाई को 10 बराबर भागों में बांटा होता है, इसलिए एक भाग 1/10 इंच व प्रत्येक 10वें भाग को 4 बराबर भागों में बांटा होता है। तो ये इक्वल टू हो गया 1/10 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/40 इक्वल टू 0.025 इंचेस। मैट्रिक सिस्टम में 1 mm और 0.5 mm में बांटा होता है। इक्वल टू हो गया 25/50 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 mm। नेक्स्ट पार्ट है थिम्बल। यह स्टील की एक ट्यूब होती है। इसके एक सिरे को बेवेल किया होता है। बेवेल घेरे को ब्रिटिश सिस्टम में 25 बराबर भागों में तथा मेट्रिक सिस्टम में 50 बराबर भागों में बांटा होता है तथा पीछे वाले भाग पर नर्लिंग की होती है। इसे स्पिंडल के पिछले भाग के साथ जोड़ दिया जाता है। इसकी पिछली ओर रैचेट स्टॉप लगा होता है। इसमें सिक्स्थ पार्ट है लॉकनट। माप लेते समय स्पिंडल को घूमने से बचाने के लिए इस लॉकनट का प्रयोग किया जाता है या कई बार एक ही सेटिंग के लिए भी इसे प्रयोग में लाते हैं। सेवंथ टाइप है रैचेट स्टॉप। यह है थिम्बल के पिछले सिरे के साथ जुड़ा रहता है। यदि यह पार्ट माइक्रोमीटर में ना लगा हो तो अलग अलग व्यक्ति द्वारा लिया गया माप अलग अलग होगा। इसको चलाने के लिए निश्चित शक्ति से अधिक शक्ति लगाने से यह चटचट की आवाज़ करने लगता है अथवा फ्री घूमने लगता है। इसे समझना चाहिए कि इस समय सही माप है। अगर इससे ज़्यादा कसेंगे तो माप गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लीस्ट काउंट, रेंज और कुछ एग्जांपल्स और एरर देखेंगे। पहले हम देखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक माइक्रोमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक माइक्रोमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो थिम्बल के घेरे का एक भाग बराबर है, किसके बराबर होगा? 1/2 इंटू 1/50। ये इक्वल टू होगा 1/100। ये इक्वल टू हो जाएगा 0.01 mm। ये ही इसका लीस्ट काउंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ इंग्लिश माइक्रोमीटर या ब्रिटिश माइक्रोमीटर या इंच माइक्रोमीटर। थिम्बल के घेरे का एक भाग बराबर है 1/40 इंचेस इंटू 1/25 इंचेस इक्वल टू ये हो जाएगा 1/1000 इंचेस इक्वल टू 0.001 इंचेस। नेक्स्ट हम देखेंगे रेंज ऑफ माइक्रोमीटर।
माइक्रोमीटर मेट्रिक सिस्टम में जो रेंज है वो है 0 to 25 mm, 25 to 50 mm, 50 to 75 mm, और इसी तरीके से लास्ट में है 125 to 150 mm। रेंज ऑफ माइक्रोमीटर ब्रिटिश सिस्टम में बात करें तो 0 to 1 inch, 1 to 2 inch, 2 to 3 inch, 5 to 6 inch, 12 to 16 inches, 16 to 20 inches, एंड 20 inches to 24 inches। अब मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में एक एक एग्जांपल देखेंगे। मैट्रिक सिस्टम में जैसा आप साइड में देख रहे हैं कि थिम्बल पे और स्लीव पे कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, तो मार्किंग है। और स्लीव पे जैसे हम देख रहे हैं मुख्य भाग ऊपर डेटम लाइन से और अनुभाग डेटम लाइन से नीचे है और भाग राइट साइड में है। अब ये इसकी रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो हम माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं इसकी रेंज क्या है। जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग 25 से है, तो इसकी रेंज क्या है होगी 25 to 50 mm। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 25 ऊपर नोट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे स्लीव में जो मुख्य भाग है और अनुभाग, उसकी रीडिंग। मुख्य भाग पे देखेंगे 3 आगे तक है, 26, 27, 28, और अनुभाग में देखेंगे डेटम लाइन से नीचे ये 0.5 की हैं सभी, तो अनुभाग में 0.5। भाग में हमने देखा था लीस्ट काउंट 0.01 होता है, और ये 13 जो लाइन है वो डेटम लाइन से मैच कर रही है, तो हमारा 0.01 × 13 होगा, तो भाग की वैल्यू आ जाएगी 0.13। जब इन सब का सम्मेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28.63 mm। सिमिलरली इसी तरीके से हम ब्रिटिश सिस्टम में भी एक एग्जांपल देखेंगे। जैसा आप साइड में देख रहे हैं, बिल्कुल ब्रिटिश सिस्टम का जो माइक्रोमीटर होता है वो मैट्रिक सिस्टम माइक्रोमीटर की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें मार्किंग इंचेस में होती है, और ये बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। स्क्रू, थ्रेड, पिच जो नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। डेटम लाइन के ऊपर मुख्य भाग और डेटम लाइन के नीचे अनुभाग है, और राइट साइड में है हमारा थिम्बल, जिसके जो मार्किंग है उसे भाग कहते हैं। रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम जो माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं इसकी रेंज क्या है। तो हमने देखा कि ये 0 से स्टार्ट है, तो पहले हमने डिस्कस किया था कि 0 to 1 inches के माइक्रोमीटर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सबसे ऊपर हमने मेंशन किया 0.000 inches। उसके बाद हम चेक करेंगे मुख्य भाग, अनुभाग और भाग। मुख्य भाग हम चेक करते हैं डेटम लाइन से ऊपर, तो हमने चेक किया कि 1 पे है, 1 के बाद है तो 0.100। अनुभाग हम डेटम लाइन से नीचे चेक करेंगे, तो 1 जो अनुभाग होता है वो 0.025 मेंशन करता है, तो 1 के बाद कितने हो गए, 3, 1, 2 and 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.075। अब चेक करेंगे भाग, जो कि हम थिम्बल पे चेक करते हैं। भाग चेक करने के लिए हमने पहले फाइंड आउट किया था कि लीस्ट काउंट ऑफ इंग्लिश माइक्रोमीटर आया था हमारा 0.001 inches, और डेटम लाइन से जो थिम्बल की ये लाइन मैच कर रही है
ये है 3, तो 3 × 0.001 इक्वल टू हो गया 0.003। जब हम रेंज की वैल्यू मुख्य भाग, अनुभाग और भाग का समेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.178 इंचेस। आज का नेक्स्ट टॉपिक है एरर। एरर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एरर, ज़ीरो एरर और पॉजिटिव एरर। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा नेगेटिव एरर। यदि थिम्बल की ज़ीरो लाइन स्लीव पर लगी डेटम लाइन से आगे बढ़ जाती है तो यह नेगेटिव एरर कहलाती है। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में इसको जमा करने पर शुद्ध रीडिंग प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एरर ज़ीरो एरर। माइक्रोमीटर को लगातार प्रयोग करने से इसकी मेजरिंग सरफेसेस घिस जाती हैं, जिसके फलस्वरूप एनविल व स्पिंडल को मिलाने पर थिम्बल व स्लीव की ज़ीरो रेखा आपस में नहीं मिलती। थर्ड और लास्ट टाइप है इसमें पॉजिटिव एरर। यदि थिम्बल की ज़ीरो लाइन स्लीप पर लगी डेटम लाइन से पीछे रह जाती है तो यह पॉजिटिव एरर कहलाती है। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में से इस एरर को घटाने पर एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त होती है। नोट है इसमें कुछ माइक्रोमीटर की एनविल स्क्रू के द्वारा ठीक की जाती हैं। इस स्क्रू की सहायता से एनविल को समायोजित करके ज़ीरो एरर ठीक की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें देखेंगे हम मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर और ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर। फर्स्ट हेडिंग है मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर। इसकी स्लीप पर डेटम लाइन के समानांतर 10 रेखाएं अंकित होती हैं। इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। ये 10 रेखाएं थिम्बल के 9 भागों या 0.09 mm के बराबर होती हैं। इसके द्वारा हम 1/1000 अर्थात 0.001 mm की एक्यूरेसी तक माप ले सकते हैं। यही इसका लीस्ट काउंट है, इसे ही 1 माइक्रोन भी कहते हैं। और हम इसे दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रीडिंग ऑन थिम्बल स्केल माइनस वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1/100 माइनस 9/1000 इक्वल टू 1/1000 mm। यही हमारा फाइंड आउट करके आएगा 0.001 mm। यही इसका लीस्ट काउंट होता है और इसे ही हम 1 माइक्रोन्स भी कहते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसा आप साइड में देख रहे हैं, डेटम लाइन से ऊपर हमारा मुख्य भाग, डेटम लाइन से नीचे अनुभाग और साइड में है भाग। इसमें एक चीज़ और हम ऐड करते हैं, वो है हमारा वर्नियर भाग, जो आप डेटम लाइन के पैरेलल लाइंस देख रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8, 0। ये लाइंस है हमारे वर्नियर भाग के। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हम माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज है 0 to 25 mm। स्पेस कम होने की वजह से जो मुख्य भाग होता है हमारा, उसको हम इसमें डेटम लाइन से नीचे करते हैं। तो मुख्य भाग हमने देखे 0, 5 दिखाई दे रहे हैं, तो जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा 6। इसलिए मुख्य भाग की जो रीडिंग आ गई हमारी 6.000। अब हम चेक करेंगे अनुभाग। 6 के बाद हमें 0.5 की लाइन नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हम 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अनुभाग की वैल्यू हमारी आ गई 0.000। अब हम चेक करेंगे भाग की वैल्यू। भाग हम देख रहे हैं कि डेटम लाइन से थोड़ी सी ऊपर
ये मैच कर रही है। तो ये हो गया हमारा 21 जो पार्ट्स है, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से तो इसकी वैल्यू आ गई 0.210। लास्ट हमारा स्टेप रह जाता है वर्नियर भाग कोई वैल्यू निकालने के लिए। ये हम चेक करेंगे कौन सी लाइन इससे मैच कर रही है, तो 0, 1, 2, 3 जो थर्ड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है डेटम लाइन के वो मैच कर रही है, तो हमारा जो वर्नियर भाग है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.003। जब इन सभी वैल्यूज़ को रेंज, मुख्य भाग, अनुभाग, भाग और वर्नियर भाग इन सब का समेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6.213 mm। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर की 10 लाइंस थिम्बल के 9 पार्ट्स के बराबर होती हैं, अर्थात वर्नियर स्केल के 10 भाग बराबर हैं 0.009 inches के। इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 1/1000 - 9/10000 = 1/10000 = 0.0001 inches। यही इसका लिस्ट काउंट है। और दूसरे तरीके से भी हम इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ मार्क्स ऑन थिम्बल इनटू नंबर ऑफ मार्क्स ऑन वर्नियर। तो पिच हमारी जैसा पहले डिस्कस किया था 40, तो 1/40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्स ऑन थिम्बल 25 इनटू नंबर ऑफ मार्क्स ऑन वर्नियर 10। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा लीस्ट काउंट आ जाता है 0.0001 inches। इसका एग्जांपल देखेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। डेटम लाइन से ऊपर मुख्य भाग, डेटम लाइन से नीचे अनुभाग, राइट साइड में भाग और जो डेटम लाइन के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं ये हमारा वर्नियर भाग। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हम माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज है 0 to 1 inches, तो हमने इक्वल टू कर दिया 0.0000 inches। अब हम चेक करेंगे मुख्य भाग, मुख्य भाग हमारा ऊपर सो है 2, तो कितना हो जाएगा 0.1 inches into 2, 0.2000 inches। अब हम चेक करेंगे अनुभाग, अनुभाग चेक करते हैं हम डेटल लाइन से नीचे, तो कितना है, जैसे 0 और 1 के बीच में एक डैश है इसका मतलब 0, 50, 100 हो गया। इसी तरीके से अगर बीच में एक एक लाइन और ड्रॉ कर ली जाए तो 0, 25, 50, 75, 100 ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के बाद 25, 50 आएगा, तो इसका मतलब 2 लाइन हो गए 2 के बाद, तो इसके लिए इसके मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0.025, तो अनुभाग की वैल्यू आ गई 0.0500 inches। अब चेक करेंगे भाग, भाग यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो 0 लाइन के बिल्कुल पास में है, तो 0.001 inch को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट चेक करेंगे हम वर्नियर भाग, वर्नियर भाग चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि डेटम लाइन के जो पैरेलल लाइंस हैं वो कौन सी मैच कर रही हैं। तो जब ये चेक करते हैं तो ये 7th लाइन इससे मैच करती है, तो 0.001 inch को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0007 inches हो जाएगा। और फाइनली जब इन सब का समेशन करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0.2507 inches। अब टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर में हम फर्स्ट टाइप देखेंगे ट्यूब माइक्रोमीटर,
इसका प्रयोग ट्यूब पाइप या शीट थिकनेस मापने के लिए किया जाता है। इसका एनविल स्पिंडल के लंब रूप 90 डिग्री पर फिट किया होता है। ये भिन्न भिन्न व्यास तथा आकार वाले एनविल के साथ निर्मित किए जाते हैं। इसके द्वारा कम से कम 2 mm भीतरी व्यास वाले ट्यूब पाइप या शीट की मोटाई माप सकते हैं। सेकेंड टाइप है वी एनविल माइक्रोमीटर। इसका फ्रेम वी आकार में बना होता है और इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री का होता है। इसके ऊपर सेंटरलेस जॉब मापी जाती है। इसके द्वारा मापा माप 3D/2 होता है। डी यहाँ पर डायमीटर ऑफ जॉब है। बाकी टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों।